गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम नीलम फ्रॉम SDTB स्कूल। सो स्टूडेंट्स, कल जो आपका टेस्ट है, आपको अपना टेस्ट अपने सब्जेक्ट टीचर को उनके नंबर पर ही सेंड करना है। टेस्ट की टाइमिंग सेम है, 10 AM टू 11:30 AM। बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में राइट करना है और उसकी पिक क्लिक करके आपको हमें सेंड करना है। हर शीट पर अपना नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट ज़रूर राइट करना है। सो स्टूडेंट्स, कल के टेस्ट के लिए आपको रिवाइज करना है यूनिट 3। सो रिविज़न शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैथ टेस्ट के लिए आपको रिवाइज करना है यूनिट 3, मेजरमेंट यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। सो फर्स्ट हमें रिवाइज करना है मेजरमेंट लेंथ्स, कि हम लेंथ को मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप और रूलर। मेजरिंग टेप यूज टू मेज़र इन मीटर्स। इसमें किस में यूज़ करते हैं, इसे मीटर्स में हमें कोई चीज़ मापनी हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप। रूलर यूज टू मेज़र इन सेंटीमीटर और इंचेस। सो रूलर के यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी चीज़ों की लेंथ कैसे मेज़र करेंगे, कीप द 0 सेंटीमीटर एंड एट द स्टार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जो भी हमारे पास है उसको हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से, और जहाँ तक उसकी लेंथ होगी वहाँ तक हम उसे मेज़र करेंगे। सो पेंसिल की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हाउ टू मेज़र इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट ऑफ एग्जैक्ट सेंटीमीटर लेंथ, कि किसी ऑब्जेक्ट की जो पूरा सेंटीमीटर लेंथ में नहीं है उसे हम कैसे मेज़र करेंगे। इफ़ ऑब्जेक्ट एंड्स बिफोर मिड पॉइंट बिटवीन 2 सेंटीमीटर मार्किंग, टेक लोअर मार्किंग। सो अगर 4 और 5 के बीच में मेज़रमेंट हो रही है तो हम किसे लेंगे, 4। If object ends after midpoint between 2 centimeter marking, take higher marking. So अगर half से ऊपर जा रहा है तो हम किसको लेंगे, higher point को। So यहाँ पर कितनी length हो जाएगी, 5 centimeter। Next देखिए, अगर हमारा कोई object है वो क्या है, उसकी length हमारे ruler से भी ज़्यादा है तो उसे हम कैसे measure करेंगे, एक बार complete ruler से measure करेंगे और वहाँ पर दोबारा से पॉइंट लगाकर उससे आगे उसे फिर से मेज़र करेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, मेजरमेंट लेंथ्स, कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें बताया गया है और उसमें हम टाइप ऑफ यूनिट कौन सी यूज़ करेंगे। सो आपको अपनी वर्कशीट से इन सब को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सो वर्कशीट 5 में देखिए, मेजरमेंट वेट, कि किसी चीज़ का वेट हम कैसे मेज़र करेंगे। सो अपनी वर्कशीट से आपको इन्हें अच्छे से रिवाइज करना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है इसमें कंजर्वेशन ऑफ वेट, कि मतलब अगर एक चीज़ को उसका जो वेट है अगर उससे हम कुछ और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो क्या रहेगा, उसका वेट भी सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल, वेट ऑफ सैंड 20 क्यूब्स, शेप चेंज टू, हमने मिट्टी से क्या है ये शेप, कैस्टल शेप बना दी है, तो इसका वेट भी क्या रहेगा, 20 क्यूब्स ही रहेगा। इसे क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वेट। नेक्स्ट बच्चों, मेजरमेंट वॉल्यूम, कि वॉल्यूम को हम कैसे मेज़र करते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास क्या यूनिट है, हमें किससे मेज़र करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास स्पून है और इस जार को हमें फिल करना है, तो कितने स्पून्स पानी हम इसमें डालेंगे कि जिससे ये पूरा जार फिल हो जाए, तो कितना होगा इसमें वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क, 15 स्पून्स। फर्स्ट में देखिए बच्चों, रीडिंग अ कैलेंडर, कि एक कैलेंडर को हम कैसे रीड करते हैं। फर्स्ट हमें उस पर देखना होगा कौन सा ईयर मेंशन कर रखा है, कौन सा मंथ है, और उसमें जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ द ईयर ऑफ द कैलेंडर, यहाँ पे कौन सा है, 2014। सो इस तरह से हमें डेट, डे हम कैलेंडर से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमें प्रैक्टिस करनी है रीडिंग टाइम, कि क्लॉक से हम कैसे टाइम को रीड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से अपनी वर्कशीट से प्रैक्टिस कीजिए और अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।